या हाय, गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग तानिया। हाँ यू कैन स्टार्ट दिस सेशन तानिया। ओके या हाय, गुड मॉर्निंग एवरीवन, दिस इज तान्या। गुड मॉर्निंग तान्या। गुड मॉर्निंग। सो आई एम योर न्यूट्रिशनिस्ट, आप मुझे पूछ सकते हो जो भी आपके क्वेश्चंस हो आज के लिए। तान्या, मुझे आप ये बताइए कि आप लोग डाइट प्लान करके देते हैं पूरा, या फिर आई हैव टू आस्क एज पर माय रिक्वायरमेंट्स? आई मीन मैंने 58 kgs अचीव किया था कुछ ऑलमोस्ट साल भर पहले। I was 62 okay. and I reached to 58, but then मुझे heels पर हो गया था, तो उसके कारण मेरा physical movement थोड़ा बंद हो गया, and then I started working also parallelly, तो उसके कारण sitting बढ़ भी गया थोड़ा सा, movement कम हुआ और sitting बढ़ गया, and I gained weight again, so now I'm 61, 58 was perfect as for me, I mean I was feeling very comfortable and okay and confident enough, so I want to go back to that. आपका हाइट और आई मीन एज क्या है, तो उसके अकॉर्डिंग आई कैन टेल यू कि आपका एग्जैक्ट 4'11" मेरा हाइट है। 4'11" एंड 11, हां जी, टुडे आई वेट 61.2। अच्छा, एंड एज इज 42, आई हैव टू किड्स। ओके, बट मेरे साथ प्रॉब्लम क्या होता है, नो ओनली देन हील्स पर और ये नेक का मेरा थोड़ा इशू रहता है, आई मीन दैट टू इज नॉट वेरी सीवियर, आई एम परफेक्टली ओके नाउ, आई कैन वॉक एंड डू एवरीथिंग, पहले नहीं कर पा रही थी मैं, काफी 6 महीना 7 महीना ऐसे गया मेरा, बट नाउ आई कैन डू ईच एंड एवरीथिंग, आई हैव टेकन फ्यू मेडिकल ट्रीटमेंट्स एंड आई हैव रिकवर्ड ऑल्सो, बट अभी प्रॉब्लम क्या होता है मेरा, जब भी वेट गेन होता है ना तो इट एक्यूमुलेट्स अराउंड माई बेली एरिया, सो अभी भी वही हुआ है, अभी सारा वेट मेरा बेली एरिया पे आ गया है, सो बेली बल्जी लगता है फिजिकली, अगर आप मुझे देखोगे तो प्रोबेबली मैं आपको इतना नहीं लगूंगी, प्लस मेरा आर्म फैट होता है, तो ये दो एरियाज में मेरा फैट एक्यूमुलेट होता है, सो आई एम लुकिंग फॉर सोल्यूशन विच कैन हेल्प मी एटलीस्ट रिड्यूस माई बेली पार्ट एंड टोन डाउन माई बॉडी वेट लॉस। टू बी वेरी ऑनेस्ट, देखो जो आपका हाइट है ना, एज पर दैट जो वेट है आपका, इट शुड बी अंडर 50, करेक्ट है ना? बट जैसे आप बोल रहे हो कि बेली फैट और पर्टिकुलर एरिया आप रीजन पे से कम करना चाह रहे हो, तो उसके लिए डाइट जो है वो एक स्पेसिफिक एरिया पर से काम नहीं करता, इट विल वर्क ओवरऑल फॉर ओवरऑल बॉडी, उसके लिए आपको कुछ एक्सरसाइजेस होंगी जो हम आपको सजेस्ट कर सकते हैं, योगा आप कर ही रहे होगे तो उसमें कुछ जैसे टमी है बेली एरिया उसके लिए एब्स की एक्सरसाइजेस होती है, आर्म्स के लिए सर्कुलर नॉन सर्कुलर कुछ एक्सरसाइजेस होती है जो हम आपको सजेस्ट कर सकते हैं, जो इसके रिपीटेशन हार्डली 10 to 15 minutes के लिए होते हैं पर डे, वो आप करोगे ना, जैसे आर्म्स की सबसे अच्छी एक्सरसाइज होती है वॉल पे ऑपोजिट डायरेक्शन में फोर्स करना, जैसे आप ऐसे आर्म्स आप वॉल की तरफ ऐसे हाथ लगा के खड़े हो जाओगे, आप प्रेशर कर देना उसको ऑपोजिट साइड, उसको पुश करना, तो जितना आप करोगे उतनी आपकी जो आर्म्स और ये वाला पूरा एरिया है वो टोन होता जाएगा, आप समझ रहे हो, इवन योर बस्ट एरिया जो होता है साइड वाला, हाँ तो वो भी उसमें भी आपको काफी हेल्प होगा, तो जो डाइट आपको जरूर हेल्प करेगा फॉर दैट रीजन की, जैसे आप बोल रहे हो कि कोई ऐसा मेडिकल रीजन नहीं है, बट 50 जैसे 61 है तो वी विल ट्राई कि आप 50s की रेंज में आ जाओ। हाँ जी, दैट्स व्हाट आई मीन, वो फॉर श्योर आपको, हाँ वो फॉर श्योर आपको रिजल्ट्स मिलेगा, उसके लिए क्या एक्सरसाइजेस मुझे एडिशनली करना पड़ेगी अदर देन द क्लास सेशंस, बिकॉज़ सेशंस में तो इट्स अ कॉमन काइंड ऑफ अ सेशन, नहीं योगा आप कर रहे हो बट जो स्पेसिफिक एरिया आप चाह रहे हो, देखो योगा मैम हेल्प कर ही रहा है आपको, बट जैसे आप मेन जो ये आर्म्स के लिए बोल रहे हो और जो बेली एरिया है उसमें कुछ 15-20 minutes हार्डली आपको एड ऑन जरूर करना पड़ेगा, मैं आपको ये नहीं बोलूंगी कि आप नहीं भी करोगे तो भी चलेगा, यस करना पड़ेगा थोड़ा सा, जिसमें आपको विद इन 14 days खुद ही रिजल्ट्स दिखने शुरू हो जाएंगे, यू विल बी फीलिंग कि हाँ मुझे टोनिंग लग रही है इन माय आर्म्स, और बेली फैट जरूर आपको हेल्प करेगा, बेली की सबसे अच्छी एक्सरसाइज जो होती है उसमें ये होता है कि जैसे जब हम सांस रोक लेते हैं आप देखते हो कि टमी थोड़ा अंदर स्टक हो जाता है,
वो आप एक एक्सरसाइज होती है एक तरह की, उसको आप डेली 15 मिनट्स या 3-4 टाइम्स रिपीट करोगे तो भी आपको हेल्प मिलेगा बेली अंदर जाने। सिर्फ अंदर करके स्ट्रेच करना, दिस इज व्हाट यू आर सेइंग, आप जैसे आपने ऐसे होल्ड आप करना। बैठे हो, आपने अपना जैसे हाँ होल्ड किया आपने ब्रेथ और आपने 10 तक काउंट किया, 1 2 3 4 5, 10 तक काउंट किया, फिर आपने अपना ब्रीद आउट कर दिया, फिर ब्रीद इन करके आपने ऐसे किया, तो ये आप 3-4 टाइम्स करोगे, ये टमी के लिए अच्छी एक्सरसाइज है। वैसे बाकी डाइट तो आप करोगे, देखो टोनिंग और फॉर्मिंग तभी आएगी जब अंदर से फैट या सेलुलाइट धीरे धीरे कम होता जाएगा, राइट, आई तभी एब्सोल्युटली आपको अंडरस्टैंड, टोनिंग। आई एब्सोल्युटली अंडरस्टैंड दैट, बट मुझे क्या कंसर्न लग रहा था, अभी मैंने सिर्फ 4-5 सेशंस ही किए हैं एंड एवरी टाइम इट इज विद अ न्यू इंस्ट्रक्टर, तो अभी इंस्ट्रक्टर को तो पता नहीं हर इंस्ट्रक्टर को मेरा प्रॉब्लम क्या है या फिर मुझे क्या एरिया पे ओके फोकस करना चाहिए या फिर व्हाट इज माय कंसर्न, तो कैसे हाउ टू इस प्रोग्राम में कैसे इसमें हेल्प होती है, कैसे हम मैम आगे बढ़ते हैं। ऑलवेज लाइव योगा के साथ आपको इस तरीके का सोचने की जरूरत ही नहीं है कि मतलब एवरी टाइम कि देखो कोई मैम कोई एक कंसर्न होता है तो जैसे सारे डॉक्टर्स एक कंसर्न के लिए एक ही मेडिसिन देते हैं, वैसे इंस्ट्रक्टर सारे आपको पर्टिकुलर एरिया या जो आपका कंसर्न है उसके लिए सेम ही इंस्ट्रक्शंस देंगे। समहाउ हो जाता है कि इंस्ट्रक्टर्स आपको चेंज हो जाते होंगे, तो उसमें ऐसा नहीं है, आप धीरे धीरे जब आप करोगे, जैसे 4-5 क्लासेस ही हुई हैं, आप इसको जैसे लेके जाओगे 14-15 टाइम्स तक, है ना, साथ में आप डाइट भी करोगे तो आपको खुद ही हेल्प लगेगा। ठीक है, तो जो मेरा रूटीन होना चाहिए योगा के हिसाब से, आई एम टेकिंग 9 to 10 वाला सेशंस, मोस्टली मैं वही लूंगी। वो क्या होना चाहिए उसके लिए मुझे कुछ गाइडेंस आप दीजिए कि व्हाट शुड आई बी ईटिंग बिफोर आफ्टर, क्या होना चाहिए मैम देखो मुझे। खाली जो योगा से पहले बहुत ही वैसे तो जैसे आप अगर टाइम से उठ जाते हो अराउंड 7 है 7:30 है तो आप अपना ब्रेकफास्ट ले सकते हो, है ना, अगर आपको लग रहा है कि नहीं मेरा लेट हो जाता है तो आप उस टाइम से उससे पहले आप जो भी ग्रीन टी या लेमन टी या जो भी ले रहे हो उसके साथ में एक मुट्ठी भर नट्स खा लो, तो वो आपको हेल्प करेंगे बिफोर आपका क्लास, उसके बाद आप प्रॉपर ब्रेकफास्ट कर सकते सो हो। ठीक दैट्स, और पूरा डाइट प्लान आप बना के नहीं देते हो कि थ्रू आउट द ये डे नहीं व्हाट पूरा इज दूंगी मैं आपको अर्ली मॉर्निंग से लेकर ओके के बिफोर गोइंग टू योर सो बेड, इट विल बी देयर, या एवरीथिंग विल बी मेंशन इन प्लान। हाउ विल आई गेट इट। मैम वो आपको हम दिवी को कनेक्ट कर देंगे विद यू, वो आपको सारी फॉर्मेलिटीज एक्सप्लेन कर देंगे, एक फॉर्म होगा वो यू विल हैव टू फिल दैट फॉर्म, एज पर दैट मैं आपको डाइट बताऊंगी, डाइट ऑलराइट आपको आपके नंबर पे PDF में ही मिलेगा मंडे टिल सैटरडे या जिस भी डे से आप स्टार्ट करना चाहोगे उस डे से। ओके ओके एंड आई डोंट विश टू गो फॉर अ वेरी रिग्रेस डाइट, ठीक है, तो नो माय बिल्कुल भी नहीं, आई इट डोंट विल वांट टू बिकम कम्प्लीटली वेरी लीन एंड वेरी थिन, सो दैट्स नॉट माय नो नो इंटेंट। नो, हाँ, बिकॉज डाइट विल काम बी भी करना है कम्प्लीटली किचन मुझे। बेस्ड, हाँ जी हाँ जी यस ओके डाइट विल बी राइट किचन बेस्ड ओनली। श्योर श्योर ओके थैंक यू मैम। ओके इट विल बी चार्जेबल राइट, जो आप कह रहे हो कि इन अ PDF फॉर्म हम आपको यस इसके यस सेंड मैम करेंगे, इट इट विल विल बी बी चार्जेबल। यस मैम इट विल बी अच्छा ऑन मंथली बेसिस, लाइक इफ यू गो फॉर 1 month प्लान और इफ यू विल गो फॉर 2 months 3 months, डिपेंड्स ऑन योर रिक्वायरमेंट। मैम अच्छा सो इज मॉडल इट मैम टू यस मैम स्ट्रिक्ट, सॉरी। नो नो इट इज नॉट स्ट्रिक्ट मैम, दिस इज एज आई हैव टोल्ड अर्लियर, इट इज कम्प्लीटली किचन बेस्ड डाइट। And Tanya, I'm really here. Good हेलो morning. यस मैम गुड मॉर्निंग, यस बेनी मैम बताइए प्लीज। हाय, जस्ट द थिंग इज कि लाइक आई एम 50 years ओल्ड एंड आई एम नॉट ओके हैविंग, इट इज नॉट दैट कि आई एम ऑन अ मेनोपॉजल स्ट्रेन, इट्स अ प्री मेनोपॉजल स्ट्रेन ओके बेसिकली, या एंड प्री आई एम मेनोपॉज़ल बिट स्टेज ऑन अ हायर बीपी साइड, लाइक आई हैव अ बीपी इशू दैट ओके डिडन controlled by and been sorted by the medicines, it's okay, I don't have any issues regarding it since the time I have joined the yoga. It's been like ओके I'm comfortably fine with any of the physical issues since there were a few days back there was a session with Dr. Bendre also, he was saying ki since you have a BP issues, so there are very less chances of losing weight. I'm comfortable with that also, and he asked me to cut down the salt. सो लाइक ही सेज कि आप चाहे अगर हो सके तो आप हफ्ते में 2 दिन नमक ना खाइए एंड रात में भी नमक हाँ मत खाइए। सो माई ओनली कंसर्न इज कि हाँ लाइक योगा सेशन करने के बाद वर्कआउट्स के बाद आई हैव वेट इंच लॉस, आई हैव इंच लॉस, देयर इज देयर, इट इज ऑब्वियसली देयर थैंक्स टू द सेशंस एंड द इंस्ट्रक्टर्स, बट वेट लॉस 1 ग्राम भी नहीं होता है। And when I start my day before the workout, I take the session of 6:30 in the morning. So I start with the chia seeds water, which I soak it in the night and then I have it and start with
that. And mm-hmm. uske baad chamomile tea with some biscuits. Mm-hmm. And later, my breakfast generally gets late before, it's somewhere around 11, I take the breakfast. And it's not in a mm-hmm. parathas or something. It is something like oats ka chila ban gaya. Ya sattu. Mm-hmm. Ya phir doodh cornflakes le liya. And lunch mein, I have normal sabji, no aloos. Basically, dal aur ragi ki roti. I am not taking gehun ki roti. Okay. Or ragi ki. Mm-hmm. And sham ko, no dinner. Mm-hmm. chai biscuits or some makhane. That's all. It is, and workout mein subah ka session hota hai, sham ko I go for a walk. Matlab wo bhi ho jati hai ek ghante ke liye. That is all. Mm-hmm. Anything else to be like, I just wanted to check ki kuch to kam ho, kuch fat cut down kare, something. Agar aapko inch loss ya centimeter loss aapko visible hai, so that means for sure there will be weight loss. Lekin weight loss aapko measuring machine pe nahi dikhta hoga. Uska reason ye hota hai ki weight ki categories hoti hain. One is lean weight, one is fat weight, right? Fat weight आपका reduce हो रहा होगा, वो आपको normal digital scale में नहीं दिखेगा। अगर आपके nearby कहीं भी कोई एक institute ऐसा है जहाँ gym है काफी अच्छा, तो वहाँ एक in-body BCA होता है जो detailed BCA देते हैं, right? उसमें slip आती है जिसमें it will be mentioned कि fat weight कितना है, आपका lean weight कितना है, उसमें protein तक आपका mention होता है कि कितना आपका आ रहा है। आप उसको जब measure करोगे तो आपको difference जरूर show होगा। इंच लॉस एट टाइम्स, जैसा कि डॉक्टर ने आपको मना किया रात में सॉल्ट खाने के लिए, उसका रीजन हो सकता है कि जहाँ बीपी के पेशेंट्स होते हैं वहाँ वाटर रिटेंशन के चांसेस, यानी कि माइनर स्वेलिंग कभी कभी हमारे जॉइंट्स में या आईज के नीचे आ जाती है, पफीनेस आ जाती है, उसका रीजन होता है कि एक्सेसिव ऑफ सॉल्ट हमारा रिटेन हो रहा है बॉडी में। आप सुन पा रहे हो मैम मुझे? हाँ जी, हाँ जी मैम, आई कैन हियर यू। आपका वीडियो आपका स्टॉप हो गया एक्चुअली, तो ये रीजन हो सकता है, इसलिए डॉक्टर ने आपको सॉल्ट के लिए मना किया होगा। दो दिन आप सॉल्ट नहीं करोगे, नहीं खाओगे, तो आपको यस ऑफ कोर्स वेट लॉस में बिल्कुल फर्क मिलता है। इसीलिए हमारा जो डाइट रहता है उसमें हम ये मेंशन करते हैं कि आपका सॉल्ट, शुगर और ऑयल डाइट में अगर आपका बैलेंस होगा तो आपका वेट मेंटेन रहेगा, ना तो बढ़ेगा। अगर आपका हाँ आप एक्सरसाइज करोगे, कैलोरी बर्न करोगे, तो रिड्यूस जरूर होगा। जब मैंने प्लान के लिए ऑप्ट किया था, आई वाज जस्ट गोइंग थ्रू द प्रोमोस दैट वर कमिंग ऑन माय व्हाट्सएप, एंड एक प्रोमो में लिखा था दैट डाइट प्लान विल बी इंक्लूडेड विद द मेंबरशिप। सो व्हाट इज मेंबरशिप एंड इजंट इट अ मेंबरशिप इफ आई ऑप्टेड फॉर अ 3 months प्लान? That is, I will give you the answer of this question, ma'am. That is a general diet plan we give with the plan. It's not customized as per the need of the client, but if you follow that plan, you may feel the weight reduction. So it's like that. So how will I get that plan? I am interested in having a look at that plan first. WhatsApp us on the same number, you know, the number you got all the links. So there you just mentioned that I need a diet plan. So immediately they will send you the all right. Will do. Thank you. Hello, doctor. Yes, ma'am. मैम मेरी ना अराउंड ईयर बैक, मतलब लास्ट अगस्त में आई गॉट अ सर्जरी, यूट्रस रिमूव कराया था, एंड उसके बाद आई पुट ऑन अ वेट, और वो मैं वॉक भी कर रही हूँ, योगा भी कर रही हूँ, पर मैं बैक आ ही नहीं पा रही। मैम देखिए, आपका एज क्या है? आई एम 46 नाउ एंड मुझे थायराइड भी है। थायराइड भी है। थायराइड की आप कितने MCG की डोज ले रहे हो? मैम आपका नाम क्या है, इसमें आप मुझे कहीं भी शो नहीं हो रहे हो। आई एम सतीश चोपड़ा के नाम से मैं एंटर हुई हूँ, मेरे हस्बैंड की मेंबरशिप है यहाँ पे ना। सर मुझे, अच्छा ठीक है मैम, आपने वीडियो नहीं ऑन किया हुआ, चलिए नो प्रॉब्लम। सो बेसिकली मैम, हाँ जी ओके मैम, सो आपका आप कितने MCG की डोज ले रहे हो फॉर दैट थायराइड के लिए? 75। लास्ट आपने इन्वेस्टिगेशंस कब कराए थे आपके? 2-3 months बैक आई गेस, आफ्टर माय बॉडी नॉर्मल है थायराइड। हां विद द मेडिसिन इट्स ओके।
मैम देखिए हिस्टरेक्टमी के बाद में हार्मोनल इम्बैलेंसेस होते हैं जहाँ वेट पुट ऑन भी होता है, मेंटेन करना भी मुश्किल हो जाता है, तो उसमें हमें कुछ एक्स्ट्रा एफर्ट्स पुट करने पड़ते हैं. तो उसमें आपको डाइट बहुत हेल्प करती है, बिकॉज इट्स अ काइंड ऑफ लाइफस्टाइल डिसऑर्डर भी होते हैं हमारा कई सारे, जिसमें आपको जब लाइफस्टाइल मेंटेन करते हो उसको धीरे धीरे आप जब रेगुलर करने लगते हो तो आपको रिजल्ट्स मिलने लगते हैं. योगा आप कर ही रहे हैं, रिजल्ट्स होंगे बट स्टेडी और स्लो होंगे, है ना, जैसे आप अभी देख रहे हो बोल रहे हो ना, क्योंकि जो आपका जो भी स्टेज है इसमें आप ना तो बहुत ज्यादा विग्रेस एक्सरसाइजेस कर सकते हैं. आपके लिए सबसे अच्छा ऑप्शन ही है कि आप योगा करो, बाकी आप वॉक कर सकते हो पूरे दिन में. आपको अगर वेट लॉस करना है तो 3000 स्टेप्स आप मान के चलो कि आपको चलना ही चलना. वो तो मैं आई विल डू, वो कर सकते हो. डाइट में थायराइड है, देखिए मैम थायराइड आपका हार्मोनल इम्बैलेंस है अगेन, और हिस्टरेक्टमी हो चुका है आपका, उसमें भी आपको हार्मोनल इम्बैलेंस होते हैं. तो इन सब चीजों में आपको डाइट की हेल्प करती है बहुत ज्यादा, क्योंकि जब आप एक बार डाइट फॉलो करने लगते हो, क्योंकि लाइफस्टाइल बेसिकली एक तरीके से बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर होता है, और ये हार्मोनल इम्बैलेंस में अगर आप डाइट अपना फॉलो करोगे प्रॉपर तो ही आपको वेट लॉस एकदम से दिखेगा. आपको जो भी मेडिकली प्रॉब्लम्स भी रहने लगती हैं धीरे 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 धीरे, आपको कई सारे प्रॉब्लम्स आने लगते हैं, जैसे कई लोगों का हेयर फॉल होने लगता है आफ्टर हिस्टरेक्टमी, है ना, मूड स्विंग्स बहुत होते हैं, एकदम से गुस्सा आ जाना और फिर नॉर्मल हो जाना, तो ये सारी चीजों से बहुत हद तक कंट्रोल हो जाती है. I started with the intermittent fasting. तो उसमें जो हमारा 8 hour eatings का होता है and you have 16 hours की you don't eat anything, है ना? उन 16s में you can have tea and fruits और या वो भी नहीं लेना होता. मैम personally intermittent fasting मैं किसी को भी suggest नहीं करती, क्योंकि वो जब आप once आप lifetime उसको follow नहीं कर सकते, वो एक phase होगा जब आप उसको follow कर पाओगे, जब आप बहुत ही ज़्यादा eager होगे किसी चीज़ को करने के, excited होगे, जब आप उसको करना बंद कर दोगे ना, you will start putting your weight again. आप वापस से पुट ऑन करना शुरू कर दोगे. सो डाइट शुड बी लाइक दिस जो आप हमेशा फॉलो कर सको. ऑलवेज लाइव योगा में जो डाइट आपको बताई जाएगी दैट विल बी कम्प्लीटली किचन बेस्ड. वो ऐसी डाइट होगी कि अगर आप कहीं बाहर भी जा रहे हो तो भी आप उस डाइट को फॉलो कर सकते हो, राइट? हेलो, यस यस नेहा मैम. हेलो, गुड मॉर्निंग मैम. पहले तो मॉर्निंग जी, मैंने ये ऑलवेज योगा ये मैंने कुछ टाइम एक दो महीने हुए हैं मैंने स्टार्ट किया है, बट पहले तो थोड़ा इफेक्टिव नहीं लग रहा था मुझे, तो मैं क्विट कर रही थी. फिर एक नेहा मैम है वो अच्छा कराती है काफी, तब मैं स्टार्ट किया है. बट लेकिन अभी बीच में मेरा बैक एक इश्यू इतना ज्यादा हो गया था, शीर्ष में कोई प्रॉब्लम नहीं हुआ था, पर अब नीचे स्पाइन से लेके बैक इतना ज्यादा पेन होता है लोअर बैक में, अब मैं कर नहीं पाती ज्यादा तक, और ये दो हफ्ते हो गए वो ठीक नहीं हो रहा है. तो मैंने मैम को बोला था, एक दो दिन का मैंने टेस्ट भी लिया है, बट उसके बाद ये अब धीरे धीरे स्टार्ट किया है, लेकिन मेरा बैक पेन में हो नहीं पाता है और बहुत प्रॉब्लम आती है. बैक एक की सबसे ज्यादा प्रॉब्लम है, और स्ट्रेस की वजह से बीच में मेरे को हर हफ्ते माइग्रेन होता था, अभी कम है बट लेकिन हो रहा है माइग्रेन, हेडेक रहता है, मे बी बिकॉज ऑफ स्ट्रेस या मेरी लॉन्ग सिटिंग आवर्स जॉब है इसलिए. कोई अगर ऐसा कुछ है कि मेरे को कुछ अलग सप्लीमेंट यूज करने चाहिए, लाइक प्रोटीन पाउडर समथिंग लाइक दैट, जो मुझे हेल्प करे? नहीं मैम, सप्लीमेंट्स तो मैं नहीं सजेस्ट करती किसी को भी, और प्रोटीन पाउडर तो बिल्कुल भी नहीं, क्योंकि ये मसल बिल्डिंग के लिए होते हैं. आप योगा कर रहे हो, आप जिम नहीं कर रहे, है ना? जिम जब बहुत ज्यादा करते हैं तब मसल्स की काफी ज्यादा टूट फूट होती है, उस वजह से जो वहां पर इंस्ट्रक्टर्स होते हैं दे सजेस्ट यू प्रोटीन सप्लीमेंट बेसिकली. वो तो मैं किसी को भी सजेस्ट नहीं करती, जब आप नॉर्मल डाइट ले रहे हो वो आप डाइजेस्ट भी नहीं कर पाओगे. रही बात इसकी कि आपके पेन शुरू हो गया है, मेरे को जैसे बोन का थोड़ा प्रॉब्लम है, उसके लिए आपको मसल वीक है, वो उसके लिए फिर आपको रिच डाइट लेनी चाहिए, जैसे रिच डाइट इन प्रोटीन, जैसे मिल्क हो गया, है ना, आपके ये दूध हो गया, सोयाबीन हो गया, है ना, टोफू हो गया, ये सारी चीजें हैं. अगर आप कस्टमाइज प्लान लेते हो हमारे पास, मैं ये नहीं बोलूंगी 1 month में आपको बहुत ही अच्छा चेंज मिलेगा, जहाँ डेफिशिएंसी की बात होती है इट विल टेक टाइम, एटलीस्ट 3 months का टाइम आपको हमें देना होगा, तब आपको जाके थोड़ा सा ये लगेगा कि हाँ मुझे माइग्रेन में भी हेल्प है. क्योंकि मैम माइग्रेन हो गया, स्ट्रेस हो गया, ये सारी चीजें जो होती हैं वो नर्व से रिलेटेड होती हैं, है ना? तो वो आप जो बोल रहे हो कि आपको जैसे पेन शुरू हो जाता है, देखो योगा जब आप कर रहे होते हो मैम, योगा आप जब हेल्थ थोड़ा सा धीरे 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 इम्प्रूव होती है, लेकिन योगा के रिजल्ट ऐसे होते हैं जो बैक नहीं करते. कोई भी चीज होगी वो, अगर आप एलोपैथी लेते हो, कोई मेडिसिन लेते हो, वो बैक करती है. वंस यू स्टॉप टेकिंग मेडिसिन वो प्रॉब्लम वापस से अकर होती है, बट योगा इज समथिंग जो सोल्यूशन है किसी भी प्रॉब्लम का. स्ट्रेस हो गया आपका, माइग्रेन हो गया,
आप बोल ही रहे हो कि माइग्रेन थोड़ा सा कम है, यस और भी कम होगा हाँ, है ना, क्योंकि अभी मैंने स्टार्ट किया था लास्ट मंथ में इम्प्रूव हो गया था, लेकिन सडनली दो हफ्ते से पेन हो गया, तो अब प्रॉब्लम हो रही है। वो इम्प्रूव से हो गई थी, बट अचानक से क्यों डाउन हो गई वो समझ नहीं आ रहा। मे बी या तो पोस्चर कोई गलत हुआ है, और मेरा वो है कि योगा में बहुत सारे लोग होते हैं तो योगा टीचर भी इतना नहीं देख पाते ज्यादातर सबको, तो वो एक फैक्टर है। They can help you without that, कि आप जब उनको मैसेज या टेक्स्ट ड्रॉप करोगे तो हो सकता है कि वो आपको प्रॉपर उस तरीके से आपको देखें, तो आप एक बार उनको टेक्स्ट ड्रॉप कर दिया करो, ऐसा नहीं है। दे विल हेल्प यू आउट अगर कोई प्रॉब्लम आ रहा है, है ना। बाकी योगा जरूर हेल्प करेगा, और अगर आपको डेफिशिएंसी है, हो सकता है कि आपको फॉलिक एसिड और विटामिन B12 की डेफिशिएंसी हो, जिस वजह से माइग्रेन जो है वो आपको बार बार हो रहा हो, है ना, है ना। तो मैम उसके लिए तो फिर आपको अपनी डाइट में नेचुरल सोर्सेज ही ऐड करने पड़ेंगे, है ना। अगर आप नॉन वेजिटेरियन है तो नॉन वेज भी उस तरीके का आपको ऐड करना पड़ेगा, जिससे आप नहीं नॉन वेज नहीं खाते। तो वेजिटेरियन हो मैम तो उसमें आपको डाइट सोर्सेज भी ऐसी ऐड करनी पड़ेंगी जिससे आपको काफी हेल्प हो। आप हमारे साथ 3 मंथ्स तक जुड़ो डाइट में, है ना, 3 मंथ्स तक का प्लान लो। आप 1 मंथ जब आप कम्प्लीट करोगे यू विल फील कि हाँ मुझे काफी आराम है उसमें। थैंक यू। Hello, ma'am. 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 Hello, ma'am.
And later on that, I started stretches which will help to knee toning and muscles. Okay. And I need what are the nutrients will help to heal that knee muscles. और कोई भी एक्सरसाइज है कुछ भी है एनीथिंग यू स्टार्ट थोड़ा सा पेन या थोड़ा सा स्ट्रेस तो पड़ता ही है सो यू हैव टू बेयर दैट थोड़ा थोड़ा बस ये है कि थोड़ा आप ग्रेजुअली उसको इंक्रीज करो अगर आपको बहुत प्रॉब्लम आ रहा है देन इमीडिएटली स्टॉप इट आप अपने इंस्ट्रक्टर से एक बार बात कर सकते हो है ना या मैम आई स्टार्टेड स्ट्रेचेस एंड आई स्टॉप्ड दैट एक्सरसाइजेस एंड आई स्टार्टेड टेकिंग ओके स्टार्टेड व्हिच विल हेल्प टू द नी मसल्स And I am taking the calcium supplements also. Can I take the calcium rich diet along with the calcium supplements? Ma'am, you can take calcium rich diet. You can take a protein rich diet, which will help to basically build up your muscles, right? So that ki aap ek matlab jab aap gym karoge ya yoga karoge, wo aapko help karega. Healthy body aapko thoda sa tone karne mein bhi help karega if you take protein rich diet. कैल्शियम यस आपको आप जो कैल्शियम ले रहे हो सप्लीमेंट दैट इज प्रिस्क्राइब बाय डॉक्टर और अपनी तरफ से ले रहे हो नो मैम एक्चुअली नाउ आई एम योर ब्रेस्टफीडिंग मदर सिंस आई हैव 2 इयर्स ओके ओके गॉट इट सो इट विल बी प्रिस्क्राइब बाय योर गायनेकोलॉजिस्ट फॉर 2 इयर्स आई डिड नॉट टेक एनी कैल्शियम सप्लीमेंट्स आयरन सप्लीमेंट्स सो नाउ आई थॉट टू टेक द कैल्शियम सप्लीमेंट्स ड्यू टू माय नी पेन So, no, ma'am, calcium that you are taking, it will help you, of course. Abhi aap, matlab, you're feeding your baby right now? Yeah, ma'am, I'm feeding. Okay. So, ma'am, I don't think so ki aapko itna heavy exercises karna chahiye, but if it is like calcium, agar aapka pain abhi bhi persist hai, so if it still is there, then you can take calcium. It is very much needed. Calcium ho gaya, multivitamin, you can also have multivitamin. Okay, ma'am. I will take that. And how many days to heal that muscles? It depends on the conditions of your muscles. Basically, it may take up to 15 days. It will be okay in 7 days also. It depends. Okay. And right leg, back side, I have some pain while squat. So I stopped that. So I hear that it will take 2 to 3 months. With a nutrient diet, so you were advised yes, by the, nutri-
by the diet, it takes little time because it is through the resources of diet. So if like it is through diet, then ma'am, obviously it will take time. But if it is through some instructor of your gym or something, then I think they will suggest some kind of, if it is very much, then ma'am, they will suggest some kind of physiotherapy also. Agar aapko bahut zyada stretch hua hai back mein, ya aapko bahut zyada stretch hua hai in your knee, then I think they will suggest some kind of physiotherapy, or they will suggest some physiotherapist also. You can ask them. Okay, ma'am. And my weight is 79-80 and my height is 163 centimeters. Ma'am, so, then your weight should be around 63-64. Yeah, I did intermittent fasting for 2 months and I reduced 5 kilos. So now I reached 79 and my goal is 65 kgs. And how many months? Yes, your goal is 65. Now you are 79. 79 to 65. Almost 14 kgs, right, ma'am? It will take around 4 to 5 months to achieve your goal. 4 to 5 months. Okay, ma'am. Can I continue the intermittent fasting, ma'am, or normal diet? No, ma'am. That is not suggested along with your breastfeeding. Doctors will not suggest, dietitians will never suggest intermittent fasting, to be very honest. Okay, ma'am. Okay. Hello, okay. Ma'am. Hi, ma'am. Yes, ma'am. If I take diet plan for 3 months, like my age is 49 and my current weight is, I think, 75 or 76 kg. So my target goal is also 60, 64 or 65, I think, according to almost age 10 and, kg. Yeah. Almost 10 kg. So is that okay. Possible ki main yoga, 1 hour yoga and wo diet plan ke saath wo goal achieve kar pau? Kyunki mera, bilkul kar sakte hain. जो आपको जैसे डॉक्टर ने आपको जो कंडीशंस बताई हैं उसमें मे भी हो सकता है कि रिजल्ट थोड़ा स्लो हो, क्योंकि जहाँ मेडिकल प्रॉब्लम्स आती है, जैसे आपको हाइपरटेंशन है ना, तो उस केस में अगर जो मेडिकल प्रॉब्लम है उसमें रिजल्ट्स विल बी स्लो, बट रिजल्ट्स विल बी देयर, दैट विल बी फॉर श्योर. वो रिजल्ट्स आप 10 डेज के अंदर भी देख सकते हो. बट आई एम टेकिंग मेडिसिंस, मैं मेडिसिन ले रही हूँ बीपी के लिए. तो बस मेरा कंसर्न क्या है, जैसे मैं एक टाइम था जब मैं योगा के किसी भी पोस्चर को बहुत इजीली कर पाती थी, बट अभी पेट पे इतना ज्यादा चर्बी है, फैट है, हैंड्स पे ये सब कुछ है, तो वो इतना पॉसिबल नहीं होता है. तो आई थिंक वेट कम होगा तो हो पाएगा. तो मैं पेट डेफिनेटली कम होगा. अच्छा, तो कुछ एड ऑन करना पड़ेगा मुझे, क्योंकि मेरा जो जॉब का वो देखो, है तो पूरे टाइम बैठने का है एक्चुअली, प्रॉब्लम ये है. यस, तो उस केस में आपको आफ्टर मील्स 10 टू 15 मिनट्स वॉक जरूरी है. वो आप जहां अपना काम करते हो वहीं थोड़ा वॉक कर लो, रूम में कर लो, बाहर कर लो, टेरिस पे कर लो, जहां आपको जगह मिलती है. मैम देखो, आफ्टर मील्स सिटिंग इज वेरी वेरी अनहेल्दी. उसी से ही बेली फैट, हाइज पे वेट और आपका बम्स पे वेट, ये सारा कुछ आता है. जब आप आफ्टर मील्स 10-15 मिनट्स वॉक करते हो, है ना, फिर इट बिकम्स अ हैबिट, तो वो आपका धीरे धीरे ग्रेजुअली सेटल होता जाता है. तो उसमें यस, हम आपको ये जरूर सजेस्ट करेंगे कि आफ्टर मील्स आप थोड़ा वॉक करिए, है ना, मेजर मील्स के बाद, स्पेशली लाइक आफ्टर ब्रेकफास्ट, लंच, डिनर, तो इनके बाद आपको वॉक करना इज वेरी इंपॉर्टेंट. बाकी पूरे दिन में वेट लॉस के लिए यू आर डूइंग योगा, वो मेरे लिए सफिशियंट है. आप एक 30-40 मिनट्स की वॉक, नॉर्मल वॉक, स्लो वॉक भी आप ऐड करोगे तो मेरे लिए वो सब सफिशियंट होगा. मैं ये नहीं बोलूंगी आपको कि आप जिम जाके एक्स्ट्रा कुछ विग्रस एक्सरसाइजेस करो. नो, दैट इज नॉट सजेस्टेड, पॉसिबल नहीं है. वही तो दैट इज नॉट रिक्वायर्ड. लेकिन अगर वॉकिंग लोगों के लिए पॉसिबल नहीं हो पाता इतना वॉक करना, तो तब क्या करना चाहिए? जो डाइट हम ले रहे हैं, दैट इज योर इनटेक, और जो आप एक्सरसाइज कर रहे हो या जो आप योगा कर रहे हो, दैट इज योर आउटपुट. तो अगर आपका आउटपुट ज्यादा होगा, इनटेक कम होगा, आप वेट लॉस को भी रिस्पॉन्ड करोगे. अगर आपको लग रहा है मैं वॉक नहीं कर पा रही, एक्सरसाइज नहीं कर पा रही, अपनी कैलोरी डेफिसिट कर दीजिए. अगर आप 1200 कैलोरी की डाइट ले रहे हो, वहां उसको आप 1100 करो, फिर 1000 करो. जब आप ग्रेजुअली उसको करते जाओगे, वेट लॉस आपको खुद ही दिखने लगेगा. लेकिन वॉक आफ्टर मेजर मील्स तो डॉक्टर्स भी आपको सजेस्ट करते हैं, खाना खा के थोड़ा टहलिए, वो थोड़ा रिक्वायर्ड होता है.
ma'am, along with yoga. Hello. Yes, ma'am. Ma'am. Hello, ma'am. एक ही क्वेश्चन है मैम, फिर मेरा योगा चालू हो जाएगा अभी 11 o'clock से. हाँ जी बताइए अंजना जी, बताइए. मैम ये जो दोनों ये जो लाइन है ना फेस में, मुझे ये जानना है कि स्माइल लाइन है कि जैसे फाइन लाइन है, या जैसे अभी अभी ही जैसे कुछ दिनों से मुझे दिख रहा है. तो अपन जब वर्कआउट करते हैं ना, तो अपन फेस को ऐसे करके स्क्विच करते हैं कभी कभार, जैसे कुछ एक हैवी करना पड़ा, या तो फेस योगा खुद से भी एक दो करती हूँ तो उस वजह से हो रहा है. कि ये क्या है कि बॉडी जैसे टोनिंग हो रहा है फेस की, क्या मुझे बस उतना पता लगा. मैम अगर अगर फेशियल लाइंस होती हैं वो जैसे 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 आप जो भी एक्सप्रेशन ज्यादा देते हो, यस उसके बाद थोड़ा बनने लगती है. बट जो आप खुद से स्टेप्स कर रहे हो फेस की, एक बार आप अपने इंस्ट्रक्टर से पूछ लीजिए, अगर आपको कुछ कंफ्यूजन हो रहा है वो ज्यादा बेटर आप कर पाएंगे. नहीं मैम, वो जो संडे को मैम करवाते हैं वही करती हूँ, बस दो ही. अच्छा. जैसे वो जो फिट कराते हैं ना दो बैलून सब, और वो दो खुद से ही करती हूँ रेगुलर. वो पूछी भी थी मैं योगा में जो करवाते हैं मैम, तो वो हाँ कर सकते हो बोले थे. तो ये मुझे जानना है कि ये जैसे स्माइल लाइन है या कुछ बस उतना है, अब बता पाएंगे क्या. नहीं नहीं मैम, फेशियल लाइंस ही हैं इसका, कोई मुझे तो नहीं लग रहा इतना प्रोमिनेंट भी नहीं है. दीज आर नॉर्मल फॉर एवरीवन, है ना. हेलो मैम, अगर आपको. मैम रितिका है. मैम आई हैव गॉट अ योगा एट 11 o'clock. ओके रितिका मैम, प्लीज टेल मी. या आई फॉलोड वन डाइटिशियन एंड थ्रू हर आई कुड यू नो लूज अराउंड 7 to 8 kgs, यू नो लाइक इन 3-4 months. But then, you know, after like on vacations, I'd gone to my mother's place, so I couldn't resist on the same diet. So in around again 1.5-2 months, I got my weight back, you know, like not the entire 8 kgs, but around 5 kgs. And my hair fall is very high. So I'm just confused, you know, like when I was following normal diet, I was okay. There was no hair fall. And then I'd gone to dermatologist also. She said that, did you follow some diet? And though that diet was very much natural, totally homemade. I used to have proper ragi roti, chia seeds, those teas, what she suggested. And even nuts, I used to have everything in a proper order. Even right now also, I'm having proper fruits and proper vegetables. And but hair fall is very, very, very high. Like thinning has happened. I've got very less hair on my, like the, I'm not bald from anywhere. The scalp has hair, but the lines are like, it's very thin. I don't understand where the bounce thinning has. Hair mein thinning ho gayi. To ye jab aap writing, ye isme aapko matlab koi unhone particular pattern follow karaya tha, jaise kabhi keto kara diya, kabhi detox kara diya? Nahi, nothing. Just a generic, like morning, the breakfast, lunch and dinner, and afternoon, like after afternoon this. Makhana and all those roasted snacks and all that basic things. That diet was very basic. Ma'am, agar diet, dekho, thoda bahut jab weight loss hota hai, ma'am, to but obviously thoda sa face pe bhi thoda dullness aa jati hai, hai na, jab aap weight loss karte ho. Hair fall, bahut se clients hote hain jo hair fall ki shikayat karte hain ki thoda sa hair fall bhi ho raha hai, kyunki diet mein jo hum normal le rahe hote hain, nutrients kahin na kahin cut off ho jate hain. तो इसमें आप अपने डाइटिशियन को बोल सकते थे कि थोड़ा सा प्रोटीन रिच डाइट मेरी ऐड कर दो. तो उसमें जब आप प्रोटीन लेने लगोगे बेसिकली, तो वो आपको हेल्प करेगा इंस्टेंट ही. अब जैसे अब आप बोल रहे हो, अगर आप मल्टीविटामिन, अब जैसे आप अपने इन्वेस्टिगेशंस कराओ, आप वेजिटेरियन हो नॉन वेजिटेरियन हो? नॉन वेजिटेरियन है ना आप. तो उसमें मैम आपको जैसे अब नॉन वेज में फिश हो गया, फिश प्रोटीन आप ले सकते हो, वो आपको हेल्प करता है ना. तो इसमें आप एक बार अपनी इन्वेस्टिगेशंस कराइए, विटामिन B6, विटामिन B12 और अपना ये सारा लिपिड प्रोफाइल वगैरह आप एक बार करा लो, अगर आप रेगुलर कराते हो तो. अगर नहीं मैम, एवरीथिंग इज फाइन. रिसेंटली आई गॉट इट डन, लिपिड प्रोफाइल, B12 इज फाइन, विटामिन डी वाज लेस, देन आई वाज ऑन अ मेडिकेशन, इट वाज 8, बट नाउ इट इज 27-28. And other things went off all. Yeah, all are fine. Vitamin B12 thyroid was fine. Got a very borderline since I got my second baby. So I'm on 50 mcg diet medication, which doctor suggested that you can't abhi escape it. Like, abhi isko chhod nahi sakte aap. Aap isi pe raho. So 1 point something is my thyroid. Thyroid is also, but my weight is very high. Like now again, it has gone very high. It was from 92, I went to 82. And now again it went to 89. वो वापस से मैम एक जब habit छूट जाती है ना थोड़ा सा, तो yes we start to put on our weight. तो आपको थोड़ा सा ये है कि अपना एक schedule थोड़ा सा बनाना तो पड़ेगा. अगर आप चाहो तो हमारे साथ भी 3 months के लिए जुड़ के देख सकते हो आप. मैं ये नहीं बोलूंगी कि आपका
हेयर फॉल 1 month में रिजल्ट देगा, वेट लॉस यस रिस्पॉन्ड करेगा इन 1 month जस्ट, लेकिन हाँ हेयर फॉल जो आपको हो रहा है उसमें थोड़ा सा टाइम लगेगा विद आवर डाइट. उसमें मैं ये नहीं बोलूंगी कि 1 month ही लेके देखो, क्योंकि उसमें आपको ऐसा रिजल्ट बहुत ही माइन्यूट सा दिखेगा हेयर फॉल में. Yeah, ma'am, even when I went to a dermo, she said that, I mean, whatever medication I'll give you, even if I'll give you multivitamins, it will not do wonder in just 2 months, 3 months. It will take 1 year. But even I've seen that I took those medicines for 6 months, but nothing happened. Hair fall, it's happening. It's in there. It's yeah, in, but it's diet plans, aap dekho leke na, 3 months ka plan leke dekho. Aapko 3 months pe for sure results. How much it would cost, 3 months plan? वो मैम आपको दिव्य मैम बता देंगे, है ना, शी विल टेल यू ऑन दैट सेम, ऑन दैट सेम नंबर फ्रॉम वेयर आई गॉट द मैसेज, आई विल गेट इट उसी नंबर पे. हेलो हेलो मैम, हेलो, ठीक है मैम, थैंक यू. या हाय मैम, हाय मैम, हेलो मैम, या हेलो मैम, यस हां मैम, मेरा भी क्वेश्चन है बस, वेट लॉस कैसे होगा, क्या एक क्लास लेकर के वेट लॉस करना सफिशिएंट है या फिर अदर क्लास भी ज्वाइन करना पड़ेगा? क्लास में मैं आपको सिर्फ गाइडलाइंस दे सकती हूँ, आपको हेल्प नहीं कर सकती उसमें, है ना. आप पहले मुझे अपना नाम बताइए. समीना. आप दिख नहीं रहे हो मुझे समीना मैम. अभी दिखे? हाँ जी, हाँ जी, दिख रहे हैं. सो समीना मैम, उसके लिए आपको प्लान लेना पड़ेगा, है ना. आप एक बार प्लान लेके देखो, 1 month का एटलीस्ट लेके देखो. उसमें आपको डाइट होती है मेंशन, मंडे से सैटरडे, जैसे आपका जो चीट डे होता है अपार्ट फ्रॉम दैट, वीक वाइज डाइट दी जाती है आपको मंडे टू सैटरडे, देन अगेन मंडे टू सैटरडे फॉर 1 month. तो वो आप फॉलो करके देखो, रिजल्ट्स आपको 2 weeks पे ही दिखने शुरू हो जाते हैं. थोड़ा बहुत लूज तो आप 1 week में भी करते हो, तो रिजल्ट्स आपको 1 month पे होते हैं जब आपको लगे कि हाँ मुझे वेट जा रहा है, मुझे मेडिकली और फिटनेस वाइज भी थोड़ा बेटर लग रहा है, हेल्थ वाइज भी, तो फिर आप उसको आगे फर्दर कंटिन्यू कर सकते हो. एक क्लास आपको नहीं हेल्प करेगी. मैं अभी आपके क्वेश्चन आंसर कर दूंगी, बट मैं आपको ये नहीं बता सकती कि अगर आप कहीं बाहर चले गए हो या आपका डाइट कहीं स्किप हो गया है तो उसकी जगह आप क्या बेटर ऑल्टरनेट ले सकते हो, उसमें क्या इंग्रेडिएंट्स होते हैं, तो उस तरीके से आपको हेल्प नहीं कर पाऊंगी. ओके, डाइट प्लान लेना होगा. ओके सर मैम, हाँ जी, प्लान आप लेके देखो, 1 month का ही लेके देखो आप. यस मैम. हेलो हेलो मैम, गुड मॉर्निंग. जी मैम बताओ. मॉर्निंग मॉर्निंग, बताइए. मेरा क्वेश्चन था मैम, मेरा एज 26 है, अभी मेरा वेट 62 है मैम. अब कितना होगा मेरा हाइट के हिसाब से? मेरा हाइट 5'4" है और वेट कितना है? यस मैम 63. तो मैम 58-59 तक वेट आपका ठीक है. और एक बेबी है. ओके, तो 58-59 एक साल की. कितना है वेट आपका? एक साल की. अच्छा, तो आप फीड कराते हो? नहीं नहीं, फीड अभी जस्ट छूटा है, हो गया. अच्छा अच्छा, छूट गया आपका. तो मैम वेट वैसे तो आपका जो आप अपनी हाइट बता रहे हो 5'4", उस हिसाब से आपका 62-63 वेट इज ओके. बट अगर आप 3-4 केजीज कम, हाँ ओके है, वेट आपका ज्यादा नहीं है. लेकिन अगर आप 4-5 केजीज लूज कर लेते हो, मतलब आप 3-4 केजीज लूज कर सकते हैं, अगर आपको लगता है कि मुझे बेली पे थोड़ा सा वेट ज्यादा लगता है. यस मैम, बेली पे है थोड़ा सा, बेली पे लगता है ना, बेली पे तो लगता आप 3-4 केजीज कम कर सकते हो. आप भी 1 month के प्रोग्राम के लिए जा सकते हो विदास, वो आपको हेल्प करेगा, आगे के लिए भी हेल्प करेगा. उसमें गाइडलाइंस की होती है, क्योंकि ऐसा कोई स्पेसिफिक प्लान नहीं होता कि आप कोई डिटॉक्स या कोई कीटो पैटर्न फॉलो कर रहे हो. इट इज ऑलवेज लाइक कि वो किचन बेस्ड डाइट होती है, जो आप अगर किसी और के लिए भी कुक कर रहे हो तो आप अपने लिए भी उसी अकॉर्डिंग बना सकते हो. सो इट विल बी कम्प्लीटली किचन बेस्ड डाइट. ओके मैम, थैंक यू मैम. हाय मैम, मेरा नाम वंशिका है. हाँ जी वंशिका, बताओ. अंशिका, अंशिका yes, दिख नहीं रहे हो आप मुझे. हेलो, यस मैम. हाँ जी बताओ अंशिका. मैम मेरी एज 19 है. ओके. हाँ जी, तो मैम मुझे पूछना था कि मतलब जैसे मुझे पीसीओडी है तो मिल्क और दही लेना चाहिए या अवॉइड करना चाहिए? नहीं, आप लिमिटेड अमाउंट हर चीज की ले सकते हो. पीसीओडी में वैसे लोगों को मना किया जाता है मिल्क प्रोडक्ट्स बेसिकली, पर आप ऐसा कुछ नहीं है. आप दही तो बहुत फायदा करता है, आप उसको इन फॉर्म ऑफ बटर मिल्क ले सकते हो. मिल्क अगर आपको पसंद है तो एज इन फॉर्म ऑफ कॉफी कभी कभी ले सकते हो. कॉफी ले लिया, स्किम मिल्क ले लिया, ले सकते हैं, ऐसा बिल्कुल मना नहीं है. मेरे प्लान में तो नहीं मना है, है ना. बाकी आपकी एक्टिविटीज पर डिपेंड करता है. हाँ जी, ब्रेकफास्ट में मैं मूसली लेती हूँ दूध में डाल के. हाँ हाँ, तो वो ठीक है ब्रेकफास्ट में?
हाँ ले सकते हो, मिल्क आपका स्किम्ड होना चाहिए है ना, फैट मिल्क नहीं होना चाहिए, जैसे रेड ब्लू ग्रीन पैकेट आते हैं, तो जो सबसे स्किम्ड मिल्क होता है वो आप लो, वो भी जब आप उसको मलाई निकाल दोगे, जैसे जब आप उसको बॉईल करते हो तो मलाई हटा के जो दूध होता है वो आपको लेना है। यस आप मूसली उसमें ऐड कर सकते हो, 2 स्पून 3 स्पून, 1 बोल से ज्यादा नहीं होना चाहिए, इट इज ऑलवेज अबाउट द क्वांटिटी, जो पोर्शन आप ले रहे हो, वेट हमेशा हमारा क्वांटिटी और पोर्शन से बढ़ता है ना, डिपेंड करता है कि आप में डालते हो मैम, वन ग्लास मिल्क में तो थोड़ा थोड़ा आप उसको कम करना, बोल में तो 1 ग्लास आएगा ही नहीं, वो तो फिर पूरा बोल भर जाएगा उससे। आप पहले क्या करोगे, म्यूसली को 2 स्पून आप डालो, 2 स्पून 3 स्पून, उसके बाद आप उसमें दूध ऐड करना शुरू करो, जब आपको लगे कि इतना सफिशियंट है कि म्यूसली उसमें पूरी डिप हो गई है, बस आप बंद कर दो उसको, उससे ज्यादा दूध नहीं लेना है। और मैम ब्रेकफास्ट में कर्ड ले सकते हैं? ब्रेकफास्ट में जब आप म्यूसली ले रहे हो तो कर्ड क्यों लेना है आपने? नहीं कभी कभी जैसे चेंज करके, मतलब कभी म्यूसली ले लो कभी कर्ड, ऐसे आप उसको इन फॉर्म ऑफ कर्ड ले सकते हो, बट जो कर्ड है वो आपका रेशियो 2:1 का होना चाहिए, मतलब अगर 2 स्पून आपने कर्ड लिया है तो बाकी पानी होना चाहिए, उसको आप स्किम कर लो है ना, प्रॉपर दही मत लो, वैसे तो दही आपको बहुत ज्यादा नुकसान नहीं करेगा, बट इन फॉर्म ऑफ लस्सी आप ले सकते हो, जैसे आप 11-12 बजे जो आपका मिड मॉर्निंग टाइम होता है अराउंड दैट टाइम यू कैन हैव इट इन द फॉर्म ऑफ बटर मिल्क, इवनिंग में आप ले सकते हो कोकोनट, आप कोकोनट वाटर ले सकते हो, आपको हेल्प करेगा, ग्रीन टी लेना प्रेफर करो, जो आपका कंसर्न है पीसीओडी इट्स अ हार्मोनल इम्बैलेंस, अगर आपका लाइफस्टाइल इंप्रूवमेंट अच्छा है, यानी आप लाइफस्टाइल अगर आपका ठीक है कि आप टाइम से सो रहे हो टाइम से उठ रहे हो है ना, क्या करते हो आप, पढ़ाई कर रहे हो जॉब है? पढ़ाई करते मैम, लाइफस्टाइल जैसे मतलब 11 बजे सोना होता है फिर 8 बजे के आसपास उठना, ब्रेकफास्ट में 11 बज जाते हैं। हाँ तो वही है ना, ये आपका मिड मॉर्निंग का टाइम हो गया, थोड़ा सा आप एक कोशिश करो, एक बार 1 मंथ आप ट्राई करो कि मैं खुद से ट्राई कर लेती हूँ, आप अराउंड 9:30 उठ के देखो, ब्रेकफास्ट करो सॉरी, और एक 11-12 के बीच में आप एक मिड मॉर्निंग मील लीजिए, जिसमें आप फ्रूट ले सकते हो, कोकोनट वाटर ले सकते हो या बटर मिल्क ले सकते हो है ना, कुछ भी ले सकते हो। और ग्रीन टी की जगह मैम मतलब जैसे 3-4 बजे ब्लैक कॉफी ले लो वो ठीक है? ब्लैक कॉफी क्यों लेना है, ब्लैक कॉफी कोई हेल्दी थोड़ी होता है, ब्लैक कॉफी तब ली जाती है जब नींद आपको अपना लग रहा है कि नींद आ रही है मुझे पढ़ना है कुछ करना है, तो भगाने के लिए बड़े लोग लेते हैं जो जॉब वॉब करते हैं जिनको कंप्यूटर पर काम करना होता है, आपकी तो अभी हेल्थ ऐसी है नहीं कि आप बहुत ज्यादा अपनी न्यूट्रिशन को कट डाउन करो, यस आप दूध ले सकते हो बट स्किम्ड होना चाहिए है ना, आपकी अभी एज ऐसी नहीं है कि आपको ब्लैक कॉफी का सपोर्ट करना पड़े, इससे तो आप ग्रीन टी ले लो वो ज्यादा हेल्प करेगी, ब्लैक कॉफी इज व्हाट, ब्लैक ग्रीन टी कॉफी हो गया ना, ग्रीन टी आप ले सकते हो इवनिंग जैसे 3-4 PM आप बोल रहे हो ना ब्लैक कॉफी लेने के लिए, उस टाइम पे आप ग्रीन टी लेना शुरू कर दो, ग्रीन टी में हर्ब्स होते हैं बेसिकली है ना, जो ये हर्ब्स होते हैं ये फंक्शनल फूड्स होते हैं जो आपको हेल्प करते हैं डाइजेशन में इम्प्रूव करते हैं, आपको जो भी खा रहे हो, आपको जैसे कभी एक पर्टिकुलर एज में एक्ने आना शुरू हो जाता है तो बहुत ज्यादा आपको लगता है कि पफिनेस हो रही है आईज के नीचे, ये सब तो रिटेंशन भी फ्री करता है, एक्ने खत्म करता है, ग्रीन टी बहुत हेल्प करता है, ग्रीन टी हो गया आपका, हर्बल टी हो गया, ये आपका लेमन वाटर हो गया, ये सब लो आप अभी। तो मैम वेट लॉस के लिए मतलब सुबह प्रेफर करनी चाहिए ग्रीन टी या शाम के टाइम ठीक है वेट लॉस? दोनों टाइम पी सकते हो, अगर आप अर्ली मॉर्निंग एम्प्टी स्टमक अगर आप ग्रीन टी पीते हो या कुछ भी वार्म लेते हो, आप ल्यूकवार्म वाटर ही लेना शुरू कर दो तो भी आपको हेल्प होगी। वाटर तो लेती हूं मैम, आपने हल्का सा आपने पानी में हल्का सा नींबू डाल लिया है ना विद हनी, वो आपको हेल्प करेगा, ग्रीन टी ले लिया, हर्बल टी ले लिया, एनीथिंग जो आप चाहते हो वो आपको हेल्प करेगा, बट अगर हाँ एकदम खाली पेट उठ के ही सुबह सुबह अगर आप कर्ड ले लोगे या लस्सी ले लोगे तो वो फायदा नहीं करेगा, वार्म हैव समथिंग वार्म वो आपको हेल्प करेगा। तो शाम को ग्रीन टी ले सकते हैं वेट लॉस के लिए? शाम को भी ले सकते हो, देखो बहुत ऑप्शन है, ग्रीन टी हो गया, लेमन टी हो गया, हर्बल टी हो गया है ना, लस्सी हो गया शाम के टाइम या मिड मॉर्निंग में आप लस्सी ले सकते हो, जो अमूल का टेट्रा पैक आता है वो भी ले सकते हो आप है ना, या घर में खुद बना के जो आपने दही है उसको घर का तो वैसे भी फ्रेश होता है, वो आपने उसमें पानी मिला के उसको अच्छे से बना लिया वो आप ले सकते हो। ग्रीन टी के साथ मखाने वगैरह ले सकते हैं? हाँ हाँ हाँ, रोस्टेड चना, रोस्टेड मखाने, बीट पफ, पफ ड्राइस, ये सब मार्केट में रोस्टेड बहुत मार्केट में बहुत अवेलेबल हो गया है, आप वो सब खा सकते हो, लेकिन जस्ट मुट्ठी भर के इतना जितना आपका एक हाथ में आ जाए बस उतना ही खाना होता है, दैट इज सफिशिएंट। फिर मैम उसके बाद डिनर कितने बजे करना चाहिए? 3-4 बजे बिफोर 8 o'clock, बिफोर 8 o'clock। देखो मील्स 3 होते हैं मेजर मील्स, ब्रेकफास्ट लंच डिनर,
3 शॉर्ट मील्स होते हैं, मिड मॉर्निंग, इवनिंग स्नैक टाइम एंड बिफोर डिनर, जिस टाइम पे आप सैलेड या सूप्स ले सकते हो 6 to 7 o'clock के अराउंड. 8 o'clock डिनर कर लो, 8-8:30 तक, उसके बाद वॉक करो विच इज वेरी इंपॉर्टेंट, और अपना सो जाओ, फिर आप अपना 10:30-11 जो भी सोते हो. अभी जैसे मैम समर्स है तो समर्स में डिनर में सूप ले सकते हैं, सूप विंटर्स में पीते हैं ना वैसे. बहुत से लोग नहीं लेते हैं सूप, बट अगर आपको मन है तो आप ले सकते हो. इट डिपेंड्स कि वो बनाया कैसे जा रहा है, आप इंग्रेडिएंट्स वो यूज करो ना जो ठंडे हो. जैसे अब आप स्पिनच और रेड लेंटिल सूप ले सकते हो इस टाइम पे, है ना. बाकी अगर आपको लेना है तो आप इस टाइम पे फ्रूट रायता ले सकते हो, योगर्ट ले सकते हो, है ना, ये सारी चीजें आप ले सकते हो समर में. थैंक यू. ओके तानिया, एक स्मॉल क्वेश्चन है, वन स्मॉल क्वेश्चन. हाँ जी, मैं ये पूछ रही थी, तो ये ग्रीन टी का ही मुझे समझना था. अभी ऑफ लेट मैंने स्टार्ट किया ग्रीन टी लेना, सो बट मुझे किसी ने बोला यू शुड नॉट बी हैविंग मोर क्वांटिटी, 1 or 2 cups इज इनफ. सो टू, यस मैम, 2 are enough, उससे ज्यादा मत लीजिए, क्योंकि मैम गर्म तो होते ही है हर्ब्स, है ना. हाँ, बिकॉज़ आई स्टार्टेड डेवलपिंग दीस स्मॉल स्मॉल एक्नेस ना, तो मुझे ऐसा लगा कि अभी क्वेश्चन आप डिस्कस कर रहे थे तो मेरे माइंड में आया कि आई डिस्कस दिस विद यू, कि शुड आई स्टॉप इट और 1-2 cup लेना इज गुड. उसको अभी नहीं, 1 इज गुड, आप स्टार्ट करो 1, उसको करना 2-1 कर दो आप उसको अभी. अगर आपको लग रहा है फिर भी नहीं जा रहा है तो एक फॉर अ शॉर्ट पीरियड उसको बंद ही कर दो आप. ओके, अगर आपको लग रहा है कि आप डेवलप कर रहे हो, स्टिल आपको एक्ने डेवलप हो रहा है, तो आप उसको फॉर अ शॉर्ट पीरियड आप उसको बिल्कुल स्टॉप कर दो, देन आप वापस से स्टार्ट करो जस्ट 1 cup. 1 cup इज हेल्दी, ऑलवेज हेल्दी, सो नॉट मोर देन 1 इज एडवाइजेबल. और इट डिपेंड्स ऑन द बॉडी, जब नहीं, इट डिपेंड्स ऑन द बॉडी मैम. 2 cups तो आप ले सकते हो आराम से, 2 in a day आप ले सकते हो. डिपेंड्स कि आप कौन सा ले रहे हो. बहुत सारे अब जैसे आप हर्बल ले रहे हो या नॉर्मल ग्रीन टी ले रहे हो या लेमन ग्रास टी ले रहे हो, डिपेंड करता है कौन सा हर्ब आप ले रहे हो. सो आई एम टेकिंग वो गिरनार का डिटॉक्स, सो व्हिच इज वेरी स्ट्रांग आल्सो. तो मैम उसमें डिटॉक्स है ना, वो तो फिर गर्म. हाँ. उसमें बहुत सारे, उसमें तो बहुत सारे इंग्रेडिएंट्स होते हैं. हां, इट्स वेरी फ्लेवरफुल आल्सो. हां, मुझे यही लगा था कि वो आप देखो उसमें बहुत सारे हर्ब्स होंगे तो यस गर्म तो होगा ही वो. आप उसको अभी फॉर अ शॉर्ट पीरियड उसको बिल्कुल बंद कर दो, स्टॉप कर दो इमीडिएटली ना, फिर आप थोड़े टाइम बाद उसको ये अगस्त के बाद सितंबर से स्टार्ट कर सकते हो, थोड़ा सा मौसम वेदर थोड़ा बेटर हो जाएगा. ठीक है, ठीक है, मेक्स सेंस. एक चीज और मुझे आप बताइए ना प्लीज. मैं वॉक का रूटीन अपना मेंटेन करना चाहती हूँ बिकॉज ऑफ माय लेग प्रॉब्लम, बिकॉज इफ आई डोंट वॉक नाउ फिर वो वापस हील्स पर वाला इशू होगा, पेन होगा मुझे, तो आई वांट टू मेंटेन दैट रूटीन. अभी वर्किंग हूँ तो मॉर्निंग में ही मैं योगा कर रही हूँ, अभी वो टाइम मेरा किल हो जाता है, मेरे पास वॉक करने का टाइम नहीं है. और इवनिंग में मेरे पास डिनर मुझे जल्दी करना है, तो डिनर अगर मैं कल जैसे मैंने 8 o'clock डिनर कर लिया 8 o'clock के पहले, लेकिन फिर मुझे ये समझ नहीं आ रहा था अभी मैं लाइट वॉक करूं या फिर जैसे मैं थोड़ा फास्ट वॉकिंग करती थी. लाइट वॉक करो आप, लाइट वॉक नहीं तो इज दैट गोइंग टू हेल्प मी इन द वेट लॉस और शुड आई वॉक एंड देन कम बैक एंड देन हैव वॉक. नहीं नहीं, वॉक आपको अगर आप माइल्ड भी रखोगे तो भी आपको हेल्प करेगा. एक्टिविटी तो डिनर हो जाता है तो ये कंफ्यूजन होता है कि व्हाट शुड बी द पेस ऑफ वॉकिंग. नहीं मैम, आफ्टर डिनर या कोई भी मील के बाद हम आपको ब्रिस्क वॉक या हैवी वॉक आपको सजेस्ट भी नहीं करेंगे. इट ऑलवेज शुड बी आपका माइल्ड वॉक, वो ही रखो आप अभी. हाँ हाँ हाँ, ओके. सो इट इज एडवाइजेबल कि मैं पोस्ट डिनर वाला वॉक लूं या फिर मैं आई मीन शुड आई डिले माय डिनर टाइमिंग, बिकॉज टाइमिंग वही होता है मेरे पास. नो, आप पोस्ट डिनर वाला रखो, आप कंटिन्यू करो उसको, दैट विल हेल्प यू. हाँ, बिकॉज इफेक्टिव क्या रहेगा, दैट्स व्हाट आई वांट टू आस्क. मैं अपनी तरफ से तो ट्राई कर ही रही हूँ. हाँ हाँ, वो आपको हेल्प करेगा. ठीक है मैम, थैंक यू. ओके.